ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। कैप्टन का जो प्रसंग चल रहा है, ठाकुर जो भक्तगण को सुना रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें। अगर हम ये सब प्रसंग गहराई से अनुध्यान करें तब इसका अर्थ निकल आएगा। ऐसी पढ़ने से इसके भीतर का अर्थ निकलना बहुत कठिन है, समझना पड़ेगा। भगवान का वाणी है और किसी का नहीं। प्रत्येक शब्द गंभीर अर्थबोधक है, कभी हल्कापन से ना लिया जाए। वो कैप्टन को बोल रहे थे ठाकुर कि बराबर क्या कर्म करना पड़ेगा, तो कैप्टन कहते हाँ आप को जैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमें पूजा एवं कर्म दोनों ही करना पड़ेगा, ये गलत है। इस बिंदु पर कैप्टन अटक गया। उनको निकालने के लिए ठाकुर प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं हाँ वो एक अवस्था है, लेकिन उस अवस्था को अतिक्रम करना चाहिए। मौमाछी जखन फूले मधुपान करे तखन भनभनानी छेड़े दे। मधुमक्षिका जब आवाज करते हैं, भनभन करते हैं, जब तक फूल में उसका मधुपान नहीं कर सका, प्रयास कर रहे हैं। जैसे मधुपान शुरुआत हो जाएगा तब सब शब्द शांत हो जाएगा, कोलाहल बंद हो जाएगा, तब एक मन से भगवान जी फूल का रस लेंगे, शहद लेंगे। वैसे ही जब जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाते हैं तब वो आनंद में वो विभोर हो जाते हैं। तब और कोई शोरगुल नहीं रहेगा, सब कोलाहल आवृत्ति वो जो कर रहे हैं ये एक स्टेज में जरूरत था, तब ये बंद हो जाएगा। तो ठाकुर के इंगित है वी हैव टू डाइव डीप विद इन। हमें आध्यात्मिकता के लिए हमारे हृदय के गहीर में डुबकी लगाना पड़ेगा, तभी हम भगवान का वाणी सुन पाएंगे। लेट अस स्टॉप बीटिंग अवर ट्रम्पेट्स एंड ट्राई टू हियर हिज वॉइस। यही बात है, हम सुनाने के लिए तैयार है, सुनने के लिए नहीं, यही हमारी गड़बड़ी है। मैं जिसे कहा था ये बात, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक रविंद्र संगीत के माध्यम से अद्भुत भाषा में प्रकाश किया। क्या भाषा है, क्या चमत्कारित्व है, इसको उल्लेख मैं किया था, वो दोहराना चाहिए। ये बार नीरव कोरे दाओ है तुम्हार मुखर कवि दे। कवि जो है वो तो मुखर होना पड़ेगा,
उसको कविता सुनाना पड़ेगा। कवि अगर चुपचाप रहे तो कवि तो नहीं निकलेगा, लेकिन कवि जब कविता लिख दिया उसके बाद नाउ इट इज हिज टर्न टू एन्जॉय। अभी उसको कविता सुनाना नहीं, अभी उसको सुनने का अवसर आ गया। ए बार नाउ, बार बार के लिए नहीं, बहुत कविता लिख लिया, अभी नाउ इट इज माई टर्न टू हियर योर पोएम्स, तुम्हारा कविता सुनने का भी हमारी इच्छा है। इसलिए कहा ए बार दिस टाइम, अभी इस समय में आपका जो मुखर जो भाई बहुत वाचन बागिश है, बहुत अच्छा बताते हैं, उसको मुखर कहते हैं, मुखरा, उसको नीरव कर दो, साइलेंट कर दो ताकि वो सुन सके। और वो जो हृदय में उसका जो बांसुरी है वो अभी तक बजाते रहते थे और बांसुरी उसका हाथ में है, हाथ में रहने से हम क्या करते हैं, हम बजाएंगे, छोड़ेंगे कैसे। इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं तार हृदय बांसी आपनी केड़े बाजाओ गोभीरे, उनकी जो हृदय का जो बांसुरी जो जिससे वो मुखर था, जिससे सरब था, कोलाहल मुखर था, उसको आप छीन लो, स्नैच इट अवे, और अभी आप बजाओ, तुम ही गाओ, तुम ही गाओ, तुम ही गाओ प्रभु, गाओ मम हृदय बसी। ये दूसरा संगीत में है, रविंद्रनाथ का नहीं है, रजनीकांत का है, लेकिन वही बात है, यह अभी मेरा टर्न हो गया, अभी आपका अवसर है, इज योर टर्न नाउ। अभी मेरा बांसुरी आप ही खुद बजाइए। जो जा की चुमोर पर परवर्ती अंश है संगीत में, जा की चुमोर छुड़िए आछे जीवने मरने, गाने टाने मिलू कैसे तुम्हार चरणे। मेरा तुम मेरा जीवन मरण का साथी हो, तो मेरा जो कुछ है इस जीवन में हो और परवर्ती जीवन में हो, जो कुछ है वो अभी समेट होकर इकट्ठा हो जाए। कैसे होगा? आपका संगीत का आकर्षण से, जो कुछ स्कैटर्ड है हमारा, वॉट एवर आई हैव, अच्छा बुरा जो कुछ है, बाय द अट्रैक्शन ऑफ योर म्यूजिक वाकई इकट्ठा हो जाए, मेरा सर्वशक्ति इकट्ठा हो जाए, ये वो तुम्हारा चरण में आके मिलित हो जाए, हमारा सब कुछ मैं तुम्हारा चरण में समर्पण करना चाहता हूँ। बहुदिनेर वाक्य राशि, जो एक निमेषे जावे भाषी, इट नॉट टेक टाइम, बाय ए ट्राइस, बाय ए मोमेंट, एक मुहूर्त में हमारा जो कुछ वाक्य राशि था सब अभी नश्चात हो जाएगा, इट विल बी फ्लडेड अवे, क्योंकि अभी आप गाना गा रहे हो। तो मुझे क्या करना है? एकला बोशे सुनबो बांशी अकुल तिमिरे, क्या भाषा है। जितने जो हमारा जो कहना था वो अभी बंद हो जाए, नीरव हो जाए,
दैट इज वॉश्ड अवे, फ्लडेड अवे। भाई मुझे क्या करना है, अकेला बैठकर, हम अकेला नहीं बैठ सकते हैं, वी कैनॉट बी विथ आवर सेल्फ, उलझन हो जाता है। कोरोना काल में भी देखा गया है, जब सामाजिक दूरी आ गया, हम अकेलेपन हो गया, हम लोग उद्भ्रांत हो गया, कितना कंप्लेन आया, महाराज अकेला कैसे रहेंगे। अकेला तभी रह पाओगे अकेला, वो से सुनबो बांसी, वो जो हृदय मंदिर में जो विराजमान भगवान, तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारा साथ है, लेकिन ही इज इग्नोर्ड, उनके कभी ध्यान में नहीं रखा, अकेला कहाँ है, वी आर एवर टुगेदर बट वी आर कॉन्टिन्यूसली डिनाइंग। हृदय में डुबकी मारने का कोई हमारी इच्छा नहीं होता है, हम दुनिया में चक्कर लगाना चाहते हैं। अभी इसका क्या अवस्था हो गया, अकेला बसे सुनबो बांसी, नाउ लेट मी हियर योर फ्लूट योर ट्यून। अकुल थी मेरे, जो अंधकार है वो अकुल है, कुलहीन, अनंत अवसर है, अनंत आदान में आप ही रोशनी हो, आपका बांसी, लेट मी एंजॉय योर ट्यून योर म्यूजिक। तो ये जो वन बनाने छोड़ के मधुपान करने का बात है, वही बात दूसरे भाषा में रविंद्रनाथ प्रयोग किया हमारे समझने के लिए, हम समझ जाएंगे ये क्या मतलब है। मतलब है अपने अपने हृदय गभीर में डुबकी लगाना है, अनेक इधर उधर छलांग मांग दिया, आपने को प्रकाश कर लिया, आई लेट अस स्टॉप बीटिंग द ड्रम्स एंड हियर हिज ट्यून। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए कैप्टन का जो अनुभव है वो भी ठाकुर संशोधन कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज 1 अप्रैल है, आप लोग तो अप्रैल फूल बन गया, क्योंकि आज मंगल आरती 5 बजे के बजाय 4:30 बजे हुआ लखनऊ आश्रम में। तो जब मंगल शंख को सुनने के लिए ट्यून किया तब तक हो चुका है, हमारा ही बताना कल बोल देना चाहिए था। आज से नया रूटीन है बेलून मठ के परंपरा अनुसार, बेलून मठ में 4 बजे से होता है 1 अप्रैल से, हमारा यहाँ पर 4:30 बजे से। अगर आपका छूट गया कल से 4:30 बजे मंगल आरती है, बाकी सब प्रोग्राम एज यूजुअल, लेकिन शारदा संघ का क्लास आज शुक्रवार है, माँ की मधु स्मृतियाँ 10:30 के बजाय 10 बजे होगा, समर शेड्यूल 10 से 11, और शाम को संधारित्र की पुराण नारदीय भक्ति सूत्र। आप लोग सब स्वागत है ऑन द न्यू फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।